हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शरद चंद अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने गाने का स्केल कैसे पहचानेंगे, कि आपका स्केल कहां पर है। जैसे हर व्यक्ति का अपना अलग स्केल होता है, अलग टोन होती है, जिससे हम पहचान जाते हैं ये फला व्यक्ति बोल रहा है या ये फला सिंगर ने गाना गाया हुआ है। जैसे हमारे मोबाइल फोन पर किसी का फोन आता है तो हम आवाज से पहचान लेते हैं कि ये फला शख्स बोल रहा है या हमारा वो रिश्तेदार बोल रहा है। जिससे किसी की आवाज बहुत मोटी होती है, किसी की बहुत पतली होती है, किसी की बीच की आवाज होती है, उसमें भी एक हरेक का स्पेसिफिक टोन होता है। हरेक का टोन एक पर्टिकुलर होता है, आपका भी अपने निश्चित टोन होगा। जैसे हर सिंगर का एक अलग स्टाइल है, अलग टोन है। एक ही गाने को अगर तीन सिंगर गाएंगे तो आप पहचान जाओगे कि ये रफी साहब ने गाया है, ये मुकेश जी ने गाया है, ये किशोर कुमार जी ने गाया है, ये लता जी ने गाया है, या आशा भोसले जी ने गाया है, या किसी और सिंगर ने गाया है। क्योंकि हर सिंगर का एक अलग अलग टोन होता है। तो अब आपको क्या करना है कि थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ कि जैसे हारमोनियम तीन सप्तक है, मंद्र सप्तक, थोड़ी मोटी नीचे भारी आवाज, मध्य सप्तक जो नॉर्मल बोलचाल की आवाज हमारी, तार सप्तक जो थोड़ी ऊपर की आवाज है। अब आपको कैसे ढूंढना कि आपका स्केल कहाँ पर है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि जो भी गाना आप गाने जा रहे हैं उसको अच्छे से सुन लीजिए, फिर देखिए कि सिंगर ने कहाँ से गा रखा है। अगर आप वहां से गा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि वहां से गाने में उनको परेशानी हो रही है तो अगर बहुत ऊपर का स्केल का गाना है तो उससे एक आध सुर नीचे चले जाइए, एक आध सुर नीचे गा के देखिए, तो आपको गाना निश्चित रूप से मिल जाएगा। या बहुत बेस में गाए, बहुत नीचे से गाया हुआ है, आपको नीचे की आवाज में परेशानी हो रही है तो एक आध सुर ऊपर लेके गा के देख लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा गाना, ठीक है ना। उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ, जैसे गाना था रफी साहब का, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको सिखाया है। अब इसका ओरिजिनल स्केल यहाँ बताइए, ला 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 ला। मान ली यहां से आपको परेशानी होगी क्योंकि इसका अंतरा काफी ऊपर चला जाएगा, तो क्या करते हैं, एक सौ नीचे आ जाते हैं। अभी बताइए, अब हम क्या करें, एक सौ नीचे आ गए, आपको दिक्कत लग रही है तो एक सौ और नीचे आ जाइए। पहले क्या था, ला 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 ला, एक सौ नीचे क्या, ला 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 ला। अब एक सौ और नीचे कर लीजिए, ला 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 ला। तीन सौ चेंज करके देखें, पहला क्या था, यहां से दिक्कत हो रही, और नीचे आ गए, यहां से परेशानी हो रही, एक सौ और नीचे आ गए, तो गाना हुआ कि जब कोई ऊपर का गाना है, आपको ऊपर के स्वर में परेशानी हो रही तो एक सौ नीचे आ गए, दो सौ नीचे आ गए और आपको गाना आपका मिल गया। यहाँ से निश्चित रूप से आप ना गाना गा लेंगे। अब मान लीजिए कोई गाना ऐसा जो बहुत बेस के स्वर में गाया, नीचे स्वर से गाया गया, उस केस में क्या करेंगे, उसमें अगर आपकी आवाज नीचे से मैच कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक या दो सुर आगे लेके गा के देख लिए तो गाना निश्चित रूप से आपको वहां पे मिल जाएगा।
उदाहरण के लिए गाने लेते हैं, जैसे गाना था वो दिल की नजर से नजरों के दिल से, ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे। जैसे मुकेश जी ने नीचे क्या था गाना, आप जैसे मान ली यहां से मान ली गाना करें हो गया। अब एक सुर ऊपर ले लिए, यहां से दिक्कत लग गई, एक सुर और ऊपर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी गाना अगर मान ली ऊपर के स्वर से सिंगर ने गा रखा और आपको वहां से आवाज मैच करने में परेशानी आ रही है, तो एक या दो सुर आप नीचे आके उस गाने को गाएंगे तो आपका स्केल निश्चित रूप से मिल जाएगा। और कोई गाना बहुत बेस में गाया गया, नीचे से गाया गया, आपको नीचे स्वर में परेशानी हो रही, तो आप एक स्वर ऊपर गाना बजा के देंगे, वहां से आपका स्केल मिल जाएगा। और कोई गाना कैसे बजाना है इसका वीडियो मैंने पहले डाल रखा है कि 5 मिनट में हारमोनियम पर कोई भी गाना बजाना सीखे, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक गाना कैसे बजाना है, कैसे गाना ढूंढना है। आज जो मैंने बताया आपको स्केल के बारे में बताया कि आप अपना स्केल कैसे ढूंढेंगे। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलते रहे। बेसिकली मैं एक सिंगर हूँ और मैं ऑनलाइन स्पेनिश गिटार, हारमोनियम, मोथार्गन और वोकल सिंगिंग सिखाता हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, स्वर गले का रेंज कैसे बढ़ाना है, इसका मैंने वीडियो डाल रखा है। कोई गाना कैसे बजाए इसका वीडियो डाल रखा है। आज मैंने स्केल के बारे में बताया, हारमोनियम पे कैसे माइनर मेजर कॉर्ड कैसे बजते हैं वो भी सब बता रखा है। तो आप मेरा चैनल जब सब्सक्राइब करके देखना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सी जानकारी घर बैठे बैठे आराम से मिलती रहेगी। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मैं आगे दीजिए, धन्यवाद।